दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज का जो वीडियो है ड्राइविंग सीरीज का 14 पार्ट है और इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप स्लोप पर फंस जाएं और गाड़ी रुक जाए तो आप किस तरह से अपनी गाड़ी उठाओगे। आपकी गाड़ी पीछे भी नहीं जाना चाहिए। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो ड्राइविंग सीख गए हैं लेकिन स्लोप पर कई सारी परेशानी आती है। हालांकि कई बार मैं वीडियो बना चुका हूं कि स्लोप पर अपनी गाड़ी कैसे चलाएं, शॉर्ट्स भी कई सारे बना चुका हूं, लॉन्ग वीडियो भी कई सारे बना चुका हूं, लेकिन जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें नहीं पता मैंने कैसे वो चीज़ की है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग तरीके बताऊंगा। सारे तरीके अलग अलग सिचुएशन में काम में आते हैं, ठीक है, और उनको कब इम्प्लीमेंट करना है वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको तीनों स्क्रीन दिख रही होगी, फ्रंट भी दिख रहा होगा, फुट मूवमेंट भी दिख रहा होगा और आपको मेरा हैंड ब्रेक वाला जो गियर पैटर्न है जहाँ पर वो भी दिख रहा होगा। तीनों स्क्रीन में आपको प्रॉपर दिखाने वाला हूँ कैसे हमारा मूवमेंट होगा। मैं दो तीन तरीके बताने वाला हूँ और उनकी कंडीशन भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे एक स्लोप है, वहाँ पर हम लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो चलिए। और दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमसे नहीं कंट्रोल होता, कई बार एकदम स्टिप स्लोप होता है, मतलब खड़ी चढ़ाई होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, तो उसको भी आप अच्छे से समझिए कि कैसे आप करोगे। शुरुआत में दिक्कत आएगी दोस्तों, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी किसी भी चीज़ की। जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसकी परेशानी आएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, गारंटी से परेशानी आएगी। जब शुरुआत में करोगे ना बहुत परेशानी आएगी, लेकिन धीरे 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 सारी चीज़ें आप करने लगोगे, क्योंकि ड्राइविंग ऐसी चीज़ है जितनी ज़्यादा आप करोगे उतने ज़्यादा परफेक्शन की ओर बढ़ते चले जाओगे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, कितनी कर रहे हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छा है। जस्ट थोड़ा सा आगे यहाँ पे स्लोप है, वहाँ पर हम गाड़ी रोकेंगे और मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि कैसे कैसे आपका मूवमेंट होना चाहिए। बस ये कि कोई गाड़ी ना आ जाए, गाड़ी आ जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। जैसे लास्ट टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा था और गाड़ी आ गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे देखना, ये देखो आप चढ़ाई है थोड़ी सी, ये चढ़ा लेते हैं अपन गाड़ी। ये देखो ये चढ़ाई है। अभी मैं यहाँ पे न्यूट्रल करता हूँ, अपने क्लच से पैर हटाता हूँ और ब्रेक से पैर हटाऊँगा तो देखना मेरी गाड़ी पीछे की ओर जाएगी। ये देखो पीछे जा रही है मेरी गाड़ी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा और पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी भी मेरी गाड़ी स्लोप पर है, आप देख सकते हो ये पीछे जा रही है, ठीक है। अब मैं पहले तो हैंड ब्रेक इंगेज कर देता हूँ, ठीक है। हैंड ब्रेक मैंने इंगेज कर दिया, अब मेरी गाड़ी स्टेबल हो गई। अब सपोज करिए आप इसी जगह पर फंस गए हो जहाँ पे आपको स्लोप पर गाड़ी निकालनी है, ठीक है। अब ये जगह कैसी है जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, मैं सिचुएशन भी साथ में बताते जा रहा हूँ। ट्रैफिक थोड़ा सा कम है लेकिन आप अकेले चल रहे हो और आपकी गाड़ी के आगे कोई भी नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, आपको बहुत टाइम है, भरपूर टाइम है कि हाँ आराम से आप चढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, 5-10 मिनट का टाइम है, आप आराम से निकाल लो प्रैक्टिस करते हुए। तो वो कंडीशन में बता रहा हूँ कि उस कंडीशन में आप कैसे करोगे। मतलब पहली स्टेप तो यही है, शुरुआत आपको इसी से करनी है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, अब देखिए मैंने पहले क्लच दबाया, क्लच दबाने के बाद मैंने फर्स्ट गियर लगाया, फर्स्ट गियर लगाने के बाद मैं अपनी क्लच को रिलीज़ करूँगा कहाँ तक, गाड़ी के बाइटिंग पॉइंट तक। ये बाइटिंग पॉइंट मतलब कि जहाँ पे आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने लगे, ऐसा अपने आप फोर्स लगाने लगे आगे बढ़ने की ओर। शुरुआत में हो सकता है गाड़ी बंद भी हो, तो वो चीज़ आपको समझनी है बाइटिंग पॉइंट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, हल्का सा रेस प्रेस करना है, उसके बाद मुझे और क्लच रिलीज़ करना है जिससे गाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगे, ठीक है। जैसे मेरी गाड़ी ऐसा लग रहा है पीछे से दब रही है और आगे से ऊपर जा रही है। अब मुझे क्या करना है, हैंड ब्रेक है ना उसको रिलीज़ करना है। देखिए मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लग गई, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, वापस न्यूट्रल कर लेते हैं, पीछे चले जाते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया कि आपके पास भरपूर टाइम है और बहुत प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तरीका तो ये है। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका। ये जो दूसरा तरीका है ना दोस्तों, हल्के फुल्के ट्रैफिक के लिए, आपके आगे थोड़ी बहुत गाड़ियां हैं, पीछे भी थोड़ी बहुत गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा बम्पर गर्दी नहीं है,
बम्पर कर दी नहीं है, मतलब कि आपको भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, सामने वाले को भी जल्दी नहीं, पीछे वाले को भी जल्दी नहीं है उस कंडीशन में। और जो चढ़ाई है वो चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्लोप में नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, नॉर्मल चढ़ाई है जैसी अभी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो हम पहले क्लच दबाएंगे, ठीक है, फर्स्ट गियर लेंगे, फर्स्ट गियर लेने के बाद हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद हम हैंड ब्रेक एंगेज करेंगे, मतलब रिलीज करेंगे। ये उस कंडीशन में जब आप ट्रैफिक में फंसे हो तुरंत, आपको हैंड ब्रेक खींचने का टाइम नहीं मिला। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो समझो, यहाँ पे आपको करना है अपना क्लच रिलीज। क्लच रिलीज करने के साथ साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक को तो पैर हटाना नहीं है, ब्रेक को कब हटाना है मैं बताऊँगा। क्लच पे गाड़ी रोकने की कोशिश करना है, जैसे मैं और रिलीज करता हूँ, मेरी गाड़ी फोर्स लगाने लग गई है, अब मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए ब्रेक छोड़ दिया मैंने, मेरी गाड़ी, आया समझ में, मेरे को मोमेंटम पता है इसलिए मेरी गाड़ी आगे बढ़ गई। अभी फिर देखो, ये देखो मेरी गाड़ी क्लच पे होल्ड हो गई, ठीक है। अब मैं क्लच हल्का सा रिलीज करूंगा ना, मेरी गाड़ी आगे जाएगी। कई लोगों को प्रॉब्लम है क्लच पे गाड़ी नहीं उठती, तो हल्का सा रेस दे दो, हल्का सा रेस दिया, ये गाड़ी उठ गई। इसके लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ नहीं कर पाओगे। ये चीज़ हो गई। अब एक और तीसरी चीज़ देख लो, तो पीछे जाते हैं, ब्रेक लिया अपन ने, तरीके बहुत सारे हैं, आप कौन सा इस्तेमाल करोगे उस कंडीशन में वो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने अब ये छोड़ दिया, अब ऐसी कंडीशन जिसमें एकदम बम्पर गर्दी है और चढ़ाई भी थोड़ी सी स्टीप है, मतलब चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा इंक्लाइंड है, वहाँ पे आपके आगे भी गाड़ी है और पीछे भी गाड़ी है, वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आपको क्या है, समय नहीं मिल रहा रुकने का, ठीक है। मतलब बढ़ रहे हो फिर रुक रहे हो, फिर बढ़ रहे हो फिर रुक रहे हो, फिर बढ़ रहे हो फिर रुक रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, वहाँ पे आप क्लच पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्लच पे अपनी गाड़ी होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है, वहाँ पे आप हैंड ब्रेक भी नहीं लगा पाओगे। अब क्या करना है उसका कंडीशन भी समझ लो आप। इसके बाद मैं एक बोनस टिप बताऊंगा, वो भी बहुत यूनिक टेक्निक है, अगर आप वो कर पाओ तो। ये देखिए हैंड ब्रेक लगाया, फर्स्ट गियर लगा दिया, क्लच दबा के रखा है, मैं हैंड ब्रेक रिलीज करता हूँ, देखना मेरी गाड़ी पीछे जाएगी, ये देखिए पीछे जा रही है, ठीक है। अब सपोज करिए आप ऐसे ट्रैफिक में चल रहे हो जहाँ पे रुक रुक के चल रहा है और आप स्लोप पर चल रहे हो, मैं थोड़ी और पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्लच रिलीज करना है और फिर रोका, फिर बढ़ाया, फिर रोका, देख रहे हो प्रोसीजर, ये देखो फिर रोका, फिर बढ़ाया, फिर रोका। ये कब काम में आएगा, जब चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी है और ट्रैफिक आपके आगे पीछे है। ये देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके फिर से देखो मैंने क्या करा, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसमें बाइटिंग पॉइंट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये चीज़ तो हो गई, आपको समझ में आ गया कि बम्पर गर्दी है, ट्रैफिक है और बहुत रुक रुक के चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। अब एक बोनस टिप ले लो, अब एक टेक्निक और बता रहा हूँ जिसमें हम हील और टो का इस्तेमाल करते हैं। ये जनरली हम कब करेंगे, ये हम करेंगे बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पे रुक गए तो वहाँ हैंडब्रेक पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ पीछे के टायर को जाम करता है और आपके जो फुट पेडल वाला जो ब्रेक है वो आपके चारों टायर को जाम करता है, तो आपको वो वाला पावर चाहिए, चारों पहिए साथ में रुकना चाहिए। अब मैं वो टेक्निक आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन ब्रेक ले लेते हैं, क्लच ले लेते हैं, हैंड ब्रेक रिलीज कर देते हैं, अपनी गाड़ी को फर्स्ट में ले लेते हैं। अब पैरों का मूवमेंट देखना, अब देखो मैं दोनों चीज़ इस्तेमाल करूँगा, देखो रेस दे रहा हूँ मैं, ये देखो रेस दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्लच रिलीज करूँगा मैं, हल्का सा रेस देते जाऊँगा, देखो वाइब्रेशन होने लग गया, ब्रेक से पैर हटाया, ये देखिए टेक्निक, मैं एक बार और करके बताता हूँ आपको, समझो, समझने के लिए इसको ट्राई करो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, आप मैं खुद प्रैक्टिस, आप देखो वाइब्रेशन सुनो, इंजन का वॉइस सुनो और उसके बाद फिर अपन देखेंगे। ये देखो मैं रेस कर रहा हूँ, क्लच रिलीज बाइटिंग पॉइंट तक, रेस प्रेस करी, क्लच ब्रेक छोड़ रहा हूँ, ये देखो
ये देखो पूरा छोड़ दिया। इजी है, इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए रहेगी आपको, क्योंकि पैर का मूवमेंट जमाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये चीज है, आप इस तरह से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, कोई टफ टास्क नहीं है, हो जाएगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे, वो चीज़ गारंटी है। लेकिन अगर ये स्किल आप सीख गए, तीनों चारों चीज़ें आप अच्छे से सीख गए ना, तो आप स्लोप पर नहीं घबराओगे और इजीली निकाल लोगे। कई लोग अभी भी देखा है बहुत बहुत सालों से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जब वो चलाते ना स्लोप पर तो उनकी गाड़ी पीछे आती है थोड़ी सी। आपको वो चीज़ सीखना है कि आपकी गाड़ी पीछे नहीं आनी चाहिए। मैंने जितनी भी टेक्निक बताई, आपने नोटिस किया होगा मेरी एक इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई है, एक इंच भी। तो वही टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है। अगर वो टेक्निक आप अच्छे से सीख गए ना, तो बहुत बहुत मज़ा आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको सीखने को मिला हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।